हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आइए जानते हैं आज की खास खबरें। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो आप सभी को हैरान कर देगा। जी हां, इस सीरियल में अब जल्द ही गयू की एंट्री होने वाली है। मेकर्स ने शो का नया ट्विस्ट लाते हुए ऐसा फैसला लिया है। इस सीरियल में अब गयू की एंट्री बिना किसी पर्पस के तो होगी नहीं, ऐसे में वो कार्तिक और नायरा के बीच में एक बार फिर से आ जाएगी। इसके बाद इस सीरियल का ट्रैक कुछ समय के लिए इस लव ट्रायंगल पर चलने वाला है। क्या आप इस लव ट्रायंगल के एंगल के लिए तैयार हैं? नीचे हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिए। इश्कबाज से जब सुरभि चांदना के जाने की खबर आई थी तो कई फैंस का दिल टूट गया था। ऐसे में सभी के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है। जल्द ही सुरभि चांदना सुनील ग्रोवर के कॉमेडी शो कानपुर वाले खुरानाज में नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट्स के माने तो इस शो में वो कुणाल खेमू की पत्नी का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं। फिर क्या आप सुरभि को नए अंदाज में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कसौटी जिंदगी में ऐसे कई मौके आए जो प्रेरणा और अनुराग करीब आए। अनुराग हर कदम पर प्रेरणा का साथ देता रहा, वहीं प्रेरणा उसे जीने के अलग अंदाज को सिखाती रही। ऐसे में अब ऐसा लगता है कि दोनों को अपने प्यार का एहसास हो गया है। तभी तो हाल में ही स्टार प्लस ने एक प्रोमो रिलीज किया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए हैं। हालांकि प्रेरणा तब ख्यालों से बाहर आ जाती है जब उसे अपनी शादी का कार्ड मिलता है जिसमें उसके साथ अनुराग नहीं बल्कि नवीन बाबू का नाम लिखा होता है। अब ऐसे में क्या दोनों एक हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कपिल शर्मा जल्द ही शादी करने वाले हैं और उन्होंने अपनी शादी के लिए अमिताभ बच्चन से टिप्स मांगे। जी हाँ, दरअसल अमिताभ बच्चन ने कपिल शर्मा से पूछा कि सुना है आप ब्याह करने वाले हैं। इस पर कपिल शर्मा ने कहा, हाँ लेकिन इसके लिए मुझे आपसे कोई गुरु मंत्र चाहिए, आखिर अपनी पत्नी को खुश कैसे रखा जाए। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने कहा कि आपकी पत्नी कुछ भी बोले इससे पहले ही आप सॉरी बोल दीजिए। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। वेल, आपको कैसा लगा दोनों का ये मजेदार अंदाज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बेपनाह में जल्द से जल्द एक लीप आने वाला है, ये बात तो हमने आपको बता दी थी, लेकिन हाल में ही इस शो के आदित्य यानी हर्षद चोपड़ा का लुक सामने आया है। दरअसल लीप के बाद आदित्य एक बिजनेसमैन बन जाता है और उनका लुक और भी कूल हो गया है। हालांकि इस तस्वीर को देखने के बाद हमें जेनिफर विंगेट के लुक का इंतजार है। आपको हर्षद का ये लुक कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। वेल, तो ये थे आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी रश।